चुनाव की। यहां एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने वाले। कश्मीर में एनसी को बढ़त मिली है, ऐसे में जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी। उधर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आया है। ₹370 को हटाया, काम नहीं आया। जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहां जाहिर सी बात है कि हम योद्धाओं का तय दिल शुक्रगुजार है। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पर पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें, यह हमारा पहला काम है। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया। घाटी का जनादेश एनसी कांग्रेस के साथ। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। पीडीपी साफ हुई, एनसी को जीत की बधाई। मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। फारूक अब्दुल्ला का बयान, उमर को सिंहासन। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया, मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ। मुझे लगता है वो कांग्रेस को निकालना भी, कांग्रेस को निकाल देंगे। क्या पता है उनका, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले भी कई समझौते हुए हैं, कई बार वो आते जाते रहे। जिसको बहुमत मिलेगा सरकार वही बनाएगा और उम्मीद करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार आएगी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगी। भोपाल में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर